अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। किताब के रिव्यूज़ का सिलसिला हमारा चल रहा है। आज जो मैं किताब आपके पास लेकर आया हूँ, ये किताब मेरी ज़ात से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और इसका मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर है। शायरी का शौक़ शायद मैं 4 साल का था, तब से हो गया था। जब मैं बोलना शुरू किया 3 साढ़े 3 साल की उम्र में, तब से मैं शेर बोलना ही शुरू किए। जो मैंने पहला पहला शेर पढ़ा था ज़िंदगी का, मुझे आज तक याद है। मेरा बड़ा फेवरेट शेर भी है, 4-5 साल की उम्र में, वो था कि हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। तो ज़िंदगी भर में जो अच्छी नज़में पढ़ी, जो अच्छी गज़लें पढ़ी, जो अच्छे अशार पढ़े, जिनका मेरी ज़िंदगी के ऊपर कोई गहरा असर हुआ, कोई मस्बत असर हुआ, वो सारे कंपाइल करके ज़रबाते में शायर नहीं हूँ, मैं शेर नहीं कहता, किसी और की शेर है। मैंने कोई एक आधी शेर ज़िंदगी में कहा है, वो भी शायद इसमें लिख दिया है मैंने, तो इस किताब के अंदर कंपाइल कर दिए। इस किताब को आप ज़रूर लीजिए और ज़रूर पढ़ें, इससे आपको काम के शेर पढ़ने के लिए भी मिलेंगे और इन तमाम अशार की मदद से आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत हद तक बेहतरी भी आ जाएगी। जो मेरा पहला शेर है जो हमने किताब में लिखा हुआ है, इसमें एक ही लिखा हुआ है, वो है तुझे खोने और पाने की फ़िक्र में, तुझे खोने और पाने की फ़िक्र में मैं मोहब्बत करते करते रह गया हूँ। तो बहुत काम के शेर है, मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। हमारी नेकियों का क्या बनेगा, हमारी नेकियों का क्या बनेगा, हमारे गांव में दरिया नहीं है। कीना फितरत ही न थे मुझको मिटाने वाले, उनमें कुछ लोग तो मासूम भी थे, तुम मसलन। दुआ करो कि कोई और जद में आ जाए, तुम्हारे हिस्से का गुस्सा उतारना है मुझे। उससे मिलना तो उसे ईद मुबारक कहना, ये भी कहना कि मेरी ईद मुबारक कर दे। नेकियां डाल दी हैं दरिया में, इन गुनाहों का क्या करूं साहिब, ऐसे बच्चे को क्या कहे टीचर, ऐसे बच्चे को क्या कहे टीचर जिसके बस्ते से शायरी निकले। बहुत काम काम की इसमें नज़में, काफ़ी अच्छी खासी लंबी चौड़ी बुक है, तकरीबन 300 सफ़ात की, तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। और आपको ये शायरी की, अगर कोई किताब आपको पढ़ने का शौक़ है शायरी की, तो इससे ज़्यादा बेहतर शायरी शायद आपको किसी और कंपाइल शुदा किताब में ना मिल सके। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये किताब आपको पढ़ने के बाद कैसी लगी, ताकि इस किस्म की और किताबें हम आप लोगों के लिए ला सकें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी।